दोस्तों, यदि चलने फिरने में तकलीफ होती है, उठते बैठते समय हड्डियों से कट कट की आवाज आती है, सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय आपसे ठीक से चढ़ा नहीं जाता, सीढ़ियां उतरी नहीं जाती, ज्वाइंट पेन, चाहे घुटनों का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, चाहे पैरों की एड़ियों का दर्द हो, किस तरह से हम जॉइंट पेन से राहत पाएं, आज आपके लिए एक बहुत बढ़िया होम रेमेडी लेकर आई हूं। इसके कुछ दिनों के इस्तेमाल से ही आप फर्क महसूस करेंगे। सबसे पहले यहां पर मैं ले रही हूं कपूर। कपूर, जिसे इंग्लिश में हम लोग कैम्फर भी कहते हैं, किसी भी ग्रोसरी शॉप में आपको कपूर की टिकिया 10 या 15 रुपए में आसानी से मिल जाएगी। छोटी डिब्बी भी आती है, बड़ी भी आती है। ये वही कपूर है जिसका इस्तेमाल हम लोग भगवान के पूजन में करते हैं। कपूर जो होता है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया दर्द निवारक होता है। आयुर्वेद में कपूर का इस्तेमाल एक औषधि के रूप में किया जाता है। दूसरी चीज जो कि यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, वो है फेनुग्रीक सीड, मेथी के बीज। मेथी के ये बीज दोस्तों हमारे सेहत के साथ ही साथ, इसका मतलब आप खाएं भी मेथी के बीजों को और मेथी के बीजों को लगाएं भी। किस तरह से करना है चलिए बताती हूँ। अगर आधी छोटी चम्मच मेथी को एक गिलास पानी में रात भर भिगा कर रखें, सुबह उठकर उस पानी को उबाल कर छान कर पी लें। पुराना से पुराना गठिया अर्थराइटिस, नसों की सूजन, नसों में ब्लॉकेज की समस्या बिल्कुल ही दूर होगी। साथ ही साथ इस रेमेडी में हम एक चम्मच कलौंजी का इस्तेमाल करने वाले हैं। कलौंजी, जिसे कि हम लोग ब्लैक क्यूमिन सीड कहते हैं, इसे नाइजीला सीड भी कहा जाता है। साथ ही साथ जो कलौंजी, इसे मंगरेल भी कहते हैं बहुत से लोग, इसका इस्तेमाल हम लोग अचार मुरब्बे में करते हैं। पूड़ी पराठे के आटे में भी इसका इस्तेमाल करें। रोज के खाने में चुटकी भर कलौंजी जरूर डालें। इतनी ज़्यादा सेहतमंद होती हैं, स्वास्थ्यवर्धक होती हैं दोस्तों। कलौंजी के बारे में एक कहावत है, मौत को छोड़कर सारी बीमारियां दूर होती हैं। अगली चीज जो कि इस्तेमाल करूंगी वह यह है अजवाइन। अजवाइन, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग कैरम सीड भी कहते हैं। अजवाइन वात पित्त कफ रोग को दूर करने के साथ ही साथ जोड़ों के दर्द, सूजन, नसों की कमजोरी, वेरिकोज वेन से भी राहत दिलाती है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 5 कपूर की टिकिया ली है। ये देखे, बड़े साइज की टिकिया है, छोटे साइज की भी टिकिया आती है। कपूर की टिकिया को आपको क्रश कर लेना है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम होती है कपूर की टिकिया। आसानी से इसका हम पाउडर बना सकते हैं। आप किसी भी भारी चीज से कूट लें, हाथों से दबाएंगे ना, हाथों से भी क्रश हो जाती है। और इसका पाउडर बनाना है तो धीरे धीरे आप एक एक करके 5 टिकिया को कूट कर इसका पाउडर बना लें। देखिए, मुश्किल से मुझे कुछ सेकंड लगा है और 5 टिकिए को मैंने कूट कर पाउडर बना लिया है। कपूर का प्रयोग बहुत से चर्म रोगों को दूर करने में भी किया जाता है। बालों में तेल लगाते हैं, नारियल तेल, चुटकी भर कपूर कभी मिला लें। डैंड्रफ, रूसी जूं लीक की समस्या दूर करता है कपूर। कपूर में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होने के कारण कपूर हमें बहुत सी स्किन डिसीज से बचाने के साथ ही साथ जोड़ों के दर्द से भी राहत दिलाता है। कई बार हमारे नसों में, हाथ पैरों में सुन्नपना आ जाता है। यदि इस तरह की कोई परेशानी है दोस्तों, तो आप इस रेमेडी को जरूर ट्राई करें। 100% वर्क करने वाली और इफेक्टिव ये रेमेडी है। तो देखिए, 4 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मेथी के बीज, 1 चम्मच कलौंजी के बीज, और साथ में लेना है आपको 5 कपूर की टिकिया का पाउडर। कैसे बनाना है सही तरीका जान लीजिए। कभी भी कपूर को बिल्कुल उबलते हुए तेल में नहीं डालते, कपूर तुरंत ही आग पकड़ लेता है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, इसे बनाने के लिए दोस्तों, इस रेमेडी को तैयार करने के लिए आप लेंगे यहाँ पर अपने पसंद का कोई भी तेल। आप यहाँ पर सरसों का तेल ले सकते हैं या तिल का तेल ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक तेल जो भी आपके पास अभी अवेलेबल है आप लोग ले सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल भी बहुत आसानी से हमें जॉइंट पेन से राहत दिलाता है। इसके अलावा तिल का तेल बहुत तेज़ी से मालिश करने से हमारे मांसपेशियों के अंदर तक जाता है, हमारी हड्डियों तक पहुँचता है और तेज़ी से अपना असर दिखाता है तिल का तेल। तो मस्टर्ड ऑयल या तिल्ली का तेल, यहाँ पर मैंने सेसमे सीड ऑयल का इस्तेमाल किया है। तिल का तेल कहीं भी मिल जाएगा किराना दुकान में, और जॉइंट पेन से आराम दिलाने में बहुत राहत दिलाता है। तो इस तेल को बनाने के लिए, जो कि आपको पुराने से पुराना घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, हाथों की कलाई का दर्द, या फिर आपके बैक पेन का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, तुरंत ही राहत पहुँचाएगा। तो 1 कटोरी तिल्ली के तेल में मैंने 1/2 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच मेथी का बीज और साथ ही 1/2 चम्मच मैंने अजवाइन डाला है। 3 से 4 मैंने इसमें काली मिर्च भी डाल दी। काली मिर्च या लौंग, दोनों में से जो भी चीज़ है आपके पास आप लोग डाल दें।
जोड़ों की सूजन को, नसों की कमजोरी को, हाथ पैर के सुन्नपने को दूर करता है। इस तेल को बनाने के लिए आज मैंने यहाँ लोहे के बर्तन का इस्तेमाल किया है। लोहे का बर्तन जो होता है थोड़ा भारी तले का होता है दोस्तों, और हमारा तेल जल्दी जलता नहीं है। सारी चीज़ों को पकाना है, जलाना नहीं है। बिल्कुल गैस की फ्लेम जो है मैंने सबसे ज़्यादा स्लो करके रखी है। बीच बीच में इसे चलाते जाना है और इस तेल को पकाना है। इस तेल से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये है कपूर का पाउडर। आप ध्यान से देखिए, मैंने अभी जब तेल पक रहा है तब कपूर नहीं डाला है। कभी भी गरम गरम तेल में कपूर नहीं डालना है, नहीं तो आग लगने का डर रहता है। जब तेल पक जाए, बन जाए, ठंडा हो जाए, कब डालना है मैं आगे वीडियो में बताती हूँ आपको। तो ये देखिए, मेथी, कलौंजी, अजवाइन, तिल्ली का तेल, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे आप लोग चाहें दोस्तों तो यहाँ पर इस समय आप लोग डाल सकते हैं कपूर। ये देखिए, अब जब तेल बन गया है, ठंडा हो गया है, सारी चीज़ों को मैंने ओवर कुक नहीं किया, जलाया नहीं है। अब तेल गुनगुना था, एकदम ठंडा नहीं किया, गैस बंद करके मुझे 5 मिनट हो गया है, और उसके बाद ही मैंने कपूर का 5 कपूर की टिकिया का पाउडर ऐड किया है। तेल ठंडा हो चुका है अच्छी तरह से। गुनगुने तेल में ही करें, गैस बंद करके ही ये काम करना है। तेल को छान लिया है, मेथी, कलौंजी, अजवाइन, तिल्ली का तेल और कपूर, बहुत अच्छा तेल बना है दोस्तों। एक ऐसा मैजिकल ऑयल है दोस्तों जो कि आपके पुराने से पुराना हड्डियों के दर्द को तेजी से खींचेगा। आप चाहें तो इस तेल में लहसुन की कुछ कलियों को डाल सकते हैं, परंतु क्या होता है दोस्तों, कई लोगों को गार्लिक की स्मेल पसंद नहीं होती, बहुत से लोग गार्लिक नहीं खाते, और गार्लिक की स्मेल से पूरे समय हमारे शरीर में थोड़ी स्मेल सी आती है। इस तेल को आप दिन में कभी भी लगा सकते हैं, सुबह के समय लगाएं, धूप में बैठकर लगाएंगे और बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सन की हीट के द्वारा जब हम इस तेल को मालिश करते हुए लगाएंगे तो ये सीधे हमारी मांसपेशियों के द्वारा हड्डियों तक पहुंचेगा और हमारे जोड़ों की सूजन को कम करेगा। हमारे नसों के ब्लॉकेज, नसों की जो कमजोरी है, लकवा जैसी बीमारी में भी आप इस तेल से मसाज करें। 10 मिनट तक मसाज करना है। अभी मैं आपको अपने हाथों पर मसाज करके दिखा रही हूँ, इसके बाद आगे वीडियो में मैं आपको घुटनों पर भी मसाज करके दिखाने वाली हूँ। तो इस तरह से मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है दोस्तों, और तेल जो है वो हमारे स्किन में तेजी से एब्जॉर्ब होता है, इसलिए मालिश करना बिल्कुल भी ना भूलें। धीरे धीरे ही आपको इस तरह से मसाज करना है। अब क्या करेंगे आप दोस्तों, ये जो तेल है इसे अपने घुटनों पर लगाएं, जहां पर आपको दर्द है। मान लीजिए आपकी कमर में दर्द है, आप कमर में लगाएं। किसी मोटे कपड़े को लपेट लें, मालिश के बाद बिल्कुल खुली हवा में ना जाएं। किसी भी पुराने मोटे कपड़े से लपेट लेंगे ना तो आपका कपड़ा भी खराब नहीं होगा और साथ ही साथ आपके शरीर में गर्मी भी बनी रहेगी। बहुत ही पावरफुल ऑयल है दोस्तों। बाजार के महंगे महंगे ऑइंटमेंट या जो ट्यूब्स लाते हैं हम लोग, क्रीम लाते हैं, उसे 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। इस तेल को आप महीने, 2 महीने, 6 महीने का भी बनाकर रखेंगे ना, ये तेल खराब नहीं होगा। सुबह के समय, दिन में धूप में बैठ कर लगाएं, हो सके तो एक बार रात को भी इसकी मालिश करें, करके देखें। 100% हड्डियों के दर्द, ज्वाइंट पेन से आपको छुटकारा मिलेगा। और मोटे कपड़े से लपेट लें, यहां मैंने भी लपेट लिया है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को